सढ़ौरा भाजपा मंडल महिला इकाई द्वारा आज सढ़ौरा के रेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला महामंत्री सुनीता शर्मा ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में सढ़ौरा मंडल की अनेकों भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। एसएचओ दीदार सिंह व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंधक कुमारी अंकिता को भी सम्मानित किया गया। भाजपा जिला महिला महामंत्री सुनीता शर्मा के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा मंडल महिला अध्यक्ष सुनीता शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। बैंक की मैनेजर है एसबीआई की, विशेष अतिथि के तौर पर आपको आज बुलाया है। ये भी अपने विचार आपके बीच में महिलाओं के बीच में साझा करेंगे। बिल्कुल आप ही आ जाओ। शेष काम किया है अपने गांव में। महामंत्री इसको आपने बोला था कि कोई लेडीज अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने महामंत्री इसको बना दिया। ऐसा है, देखिए भाई, एक तो ये है, आज देखो इनका वेलकम हो गया था, आज हम नव नियुक्त महामंत्री का अभिनंदन करते हैं, वंदन अभिनंदन। ये हमारी नई टीम की सदस्य है, हमारी पूरी टीम की ओर से। एसएचओ दीदार सिंह के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर भी भाजपा के पदाधिकारी ने उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। सभी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जैसा आपको सूचना दी गई थी कि आज महिला का एक कार्यक्रम है, महिला मोर्चा की तरफ से हमारी अध्यक्षा के नाते सारा कुछ ही नहीं की देख रेख में होने वाला है। मैं तो ऐसे एक मंडल अध्यक्ष के नाते थोड़ा सा आप लोग नहीं, ये गलत बात है, आपके सिर पे मैंने सब कुछ कर दिया, नहीं तो मैं कल ही कुछ नहीं कर सकती। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो एक दूसरे का सहयोग ये उससे ही काम चलता है, अकेला मैं भी नहीं कर सकता, मेरे साथ भी ये सारी टीम जुड़ी हुई है जी, सुबह से लगे हुए मेरे साथ सारे के सारे जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो जनरल बॉडी हैं, और सारे के सारे लग के तभी काम होता है, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सब यहाँ पर पहुँचे, आप सभी का विषय तो हमारे बीच में हमारी माननीय जो आज की मुख्य वक्ता है वो आपके बीच में विषय रखेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महिला मोर्चा की जिला की महामंत्री श्रीमती सुनीता जी, मंडल सभा की अध्यक्ष सुनीता शर्मा जी, उपस्थित बहनों, आप सढ़ौरा में पधारे, आपका पहले सबसे पहले स्वागत करते हैं। और आपको पता ही है हमारी पार्टी जो पंचायतों के चुनाव है या हरियाणा में शिफ्ट होना इज टू टफ फॉर मी, यहाँ पे अपने को सेटल डाउन करना, लेकिन यहाँ का जो माहौल है काफी अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सब कुछ है। एंड आप लोग ने आज जो ये मीटिंग रखी है, मतलब सारी फीमेल्स को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बेसिकली मैं ये कहूँगी। एंड मेरा ये सोचना है कि कभी कोई भी, मतलब आप लोग कमेटी बनाते हैं ना, ये थॉट प्रोसेस मत डालो कि हमें फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। मेरा हम लोग का पहला इनिशिएटिव ये होना चाहिए, शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सो। मेरे लिए तो ये चीज़ है, अगर हम मेंटली स्ट्रांग है एंड अवेयर है, हमें अपने राइट्स भी पता होंगे, हमें फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलेंगे, हमें कहाँ पे अगेंस्ट जाना है, कहाँ हमें अप्रोच करना है। अब गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, ऑनलाइन हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है,
अगर आप एक न्यूज पेपर भी उठा के पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट एक मिल ही जाएगा जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। महिलाएं छोड़ दीजिए, नॉर्मल कोई भी फैमिली है, कोई भी गरीब से गरीब है या अमीर से अमीर है, कोई भी है, उन सभी के लिए जनरलाइज प्लेटफॉर्म खोल रखा है। आप कहीं से भी कुछ भी उठा करके आपके लिए जो सुटेबल है वो चीज उसको वहां से अडॉप्ट कर। तो यहाँ पे आइए आज तो इस विषय में मेरा अपना जो तजुर्बा है मेरी नौकरी का, मैं ये मान के चलता हूँ कि जब तक औरत मतलब सख्त नहीं होगी ना तो ये अपराध जो बढ़ते रहेंगे। कोई भी आदमी आपके खिलाफ कोई भी कोई गलत हरकत कर रहा है, कोई कर रहा है, जब तक आप उसको करारा जवाब नहीं दोगे ना तो मतलब आप कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरी बदनामी होगी, लेकिन उसमें कोई बदनामी नहीं। अगर आप उस आदमी को तुरंत टोक दोगे ना तो मैं नहीं मान सकता कि किसी की कोई हिम्मत पड़े किसी के खिलाफ भी। आप अपने बच्चों को बच्चियों को यही समझाइए बस, कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कहीं भी कोई और आधी रात भी कहीं जाए तो कुछ भी नहीं हो सकती, मेरा अपना यह मानना है, तजर्बा है, जब तक कि अपने अंदर कमी ना हो। अगर हम किसी को थोड़ी हरकत करते ही टोक देंगे तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ सकती आदमी कोई भी कोई गलत बात करे, नहीं हो सकती। मेरी अपनी नौकरी का तजर्बा है। घर घर जाके गर्भवती औरतों को बच्चों को सबको खाना चाहिए। एक कॉल पे यहाँ एकत्रित हुई है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे भाई पवन सैनी जी, भाई जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और SHO साहब का बिटिया हमारी क्या नाम है गीता, और अपनी IV बहने, और ये हमारी सुषमा जी हैं, पहले यहाँ महामंत्री थी, अब हमने इनको नियुक्त किया है जिले में, अब ये जिला सचिव जी है। आप सबको मैं परिचय देती हूँ। कई बार ऐसा लगता है ना, जो इंसान जहाँ का होता है वो तो ऐसा लगता है सुषमा तो यही की है, सुषमा तो अपनी है, लगता है ना। तो अब इनका दायित्व जो है जिले में चला गया है। तो देखिए, जब आदमी वर्क करता है, किसी की रिपोर्ट ऊपर अच्छी जाती है तो उसका प्रमोशन होता है। भाजपा की महिला इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और उसमें बतौर वक्ता भाजपा की जो जिला महामंत्री महिला सेल की सुनीता शर्मा जी उपस्थित रहे। मैडम जी बताइएगा कि आज क्या कार्यक्रम था ये? आज का ये जो हमारा कार्यक्रम सढ़ौरा में रखा है, ये मंडल स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और इसमें महिलाओं को अपने अधिकारों को पहचानने की, अपने कर्तव्यों को पहचानने की, इतनी सक्षम महिला होने की ये सारी खुशी अनुभव होने के, और खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है। बस मैं आज अपनी सभी महिलाओं को, सभी बहनों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहते हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी धन्यवाद जी। जी जी सुनीता जी, मैं महिला मोर्चा BJP महिला मोर्चा की तरफ से बोल रही हूँ। मेरी महिलाएं आई हुई हैं, महिलाओं का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सुनीता शर्मा जी से झरोली से आए, उन्होंने ये मीटिंग का सारा प्रोग्राम किया, और पवन सैनी जी ने इसका इंतजाम किया, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ।